दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। दोस्तों, जब भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, कल की वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, तो आपको शायद ना मैं कह रहा हूँ पता होगा, शायद आपको नहीं पता होगा दोस्तों, मैंने कल की वीडियो बनाई है, तो वीडियो जो फोन में नहीं आई, तो मैंने लिख के लगा दिया था कि फोन में वीडियो नहीं आई, तो इंशाल्लाह आपके साथ कल वीडियो शेयर। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज वीडियो आपको बताएंगे क्या हिसाब किताब है। तो कबूतरों के लिए भी जो है दाना शुरू दाना डालने लगा था, तो मैंने कहा चले आपके साथ वीडियो जो है ना शेयर करते हैं दाना भी डालने में। और जो है वो फीमेल हमारी, वो देखें दोस्तों बाहर निकल आई है, एंड मुर्गी की फीमेल वो देखें हमारा मेल भी निकल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अब आगे की रूटीन का आगाज करते हैं। चलें दोस्तों, पहले कबूतरों को दाना वगैरह डालते हैं, तो फिर जो है ना दोस्तों कबूतरों को जो है दाना वगैरह डालते हैं। सबसे पहले इधर खरगोश वाली साइड पर डालते हैं, ताकि खरगोश भी हमारे खा लें और जो है कबूतर वगैरह भी जो है ना वो खा लें। तो हमारा मेल जो है ना चिकन, और ये बेचारा बड़ा भूखा है, उसको बड़ी भूख लगी हुई है। ये रैबिट अंदर भाग गया, एक मारा दाना ना बस गिरा दे, ये बाकी खैर जैसे इसको ऐसे करते हैं। ये देखें, ये आ गया साफ। अब जो है ना ये देखें, एकदम से रैबिट भाग गया है। दाना जो है दोस्तों डाल दिया, मेल भी अंदर ही है, वो भी बाहर आ जाएगा, ये खाएंगे अब सारे आके। देखें मेल, इसको खुशबू आ गई है दाने की। ये देखें, ये देखें, ये भागता जाएगा अब दाने की तरफ। और बाकी जो है कबूतरों को दाना जो है हम डालते हैं अब। तो ये बाहर आए हैं दोस्तों, छत पे जो आप देख रहे होंगे काफ़ी कचरा वगैरह फैला हुआ है, ये देखें। तो ये इंशाल्लाह दोस्तों जो है ना जल्दी जो हम इसको साफ़ करेंगे, बल्कि कल की वीडियो में ये साफ ही होगा, बल्कि साफ़ क्या करना है साफ, बल्कि कल की वीडियो में आपको नजर आएगा। ये दाना मैंने कहा खोल लें ज़रा, तो अब यहाँ की बारी है, यहाँ पर अब दाना डालना। चलो हटो दोस्तों, देख सकते हैं कबूतर भूख से बुरा हाल। दोस्तों इस फीमेल ने बहुत तंग किया हुआ मुझे, ये देखें इसके अंडे आप देखें, आप वो पड़े हैं सामने, और ये गायब है, वो देखें आप आइए दाने के लिए, वरना अंडे वगैरह को जो है ना ध्यान नहीं दे रही सही। तो ये देखें दोस्तों, मैं अभी ये दाना डाल दिया सारा, ये देखें अभी कबूतर दाना वगैरह खाएंगे, इनको बस अब पानी वगैरह डालना माशाल्लाह। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जो है ना हमारे बच्चे हैं दो कबूतर के यहाँ पे ऊपर, बल्कि आपको अंदर चल के दिखाते भी हैं वो साथ, पर बताते भी हैं हुआ क्या था। ये देखें यहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ है, और जो है ना ये देखें माशाल्लाह दोस्तों बच्चा ये है, काफ़ी हद तक दोस्तों जो है ना अभी बच्चा ठीक है। ये देखें इसका दोस्तों दूसरा जो भाई था ना, दो अंडे थे, आपने देखा होगा वीडियो में, यहाँ पे दोस्तों अंडे थे। तो कल की वीडियो, कल की नहीं परसों, शायद परसों रात को ना दोस्तों बच्चा निकला है ये, तो यहाँ पे कहीं पे ना बच्चा एक ही निकला था अभी। तो दोस्तों जब ये एक बच्चा निकला है ना, तो जो है ना बेचारा यहाँ पे बैठा था, वो कहीं मुझे लगता कोई ना कोई और कबूतर में से ऊपर गया दाने के टाइम पे, उसने कहीं पे ना रात के टाइम मैंने रोटी डाली है दोस्तों, तो उसने ऊपर से उसको कहीं नीचे गिरा दिया। तो दोस्तों उस टाइम जो है ना ज़मीन बिल्कुल ठंडी थी, पानी गिरा हुआ था ज़मीन पर, बहुत ज़्यादा ठंडी ज़मीन थी, तो कबूतर बेचारा जो है बच्चा सर्वाइव कर नहीं पाया, और वो बच्चा जो है दोस्तों एक्सपायर हो गया, बड़ा दोस्तों उसका दुख है। तो इसी तरह दोस्तों जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो जानवर वगैरह जो है हमारा एक बच्चा एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों वो है भी नया था, नई नस्ल थी, वो एक साथ की नया बच्चा निकला था हमारा सेटअप से, पहला जो ये इस तरह का बच्चा निकला था। चले कोई नहीं, अभी इंशाल्लाह एक जो है ना एक से हम दाना करेंगे। तो बाकी को मुर्गियों वगैरह को दाना नहीं डाला, अभी इनको दाना वगैरह डालना है। तो ये देखे दोस्तों माशाल्लाह हमारा ब्रीडिंग बॉक्स निकला है एक ना, ये जो अलमारी वगैरह है दोस्तों इसका जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ इतना दोस्तों जो है ना हम बॉक्स रखेंगे तकरीबन, और ये पूरे एक दो तीन चार पाँच, दो चार पाँच छः सात आठ नौ तकरीबन दोस्तों ये बॉक्स हैं, जिनमें मैंने पूरे सेट कर दूंगा ये बॉक्स, और इंशाल्लाह जो है आपको ये कल ब्रीडिंग बॉक्स इंशाल्लाह कल या परसों की वीडियो में दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि अंदर लगाएंगे और इसको मुकम्मल तौर पर सेट करेंगे, ताकि जो है कबूतर इसमें अपनी ब्रीडिंग करें। तो दोस्तों जो है ना क्रेट वगैरह का बड़ा इशू होता है कि उसको उठाएँ एक ही करके, मुर्गी के काम चेक करें दोस्तों, कहाँ दुबई निकली है। ये देखें मेरा यहाँ से जंप करना चाह रही है, पर ये गिर जाएगी, इन्होंने दाना दोस्तों नहीं खाया इस वजह से जो आप बोलिए। तो कल की वीडियो में दोस्तों इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली दिखाएंगे ये बॉक्स लगाए, या कल की या परसों की इंशाल्लाह। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने कहा चले आपको बता देने कि क्या हुआ था हमारे साथ कबूतरों के ये बच्चे के साथ। तो जंगली कबूतर उड़ रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने काफ़ी उड़ रहे हैं। तो खैर दोस्तों सबको दाना वगैरह डाला, वो देखे रैबिट्स हमारे आराम से इजी हो गया, आंखें बंद करके जो है ना दाना वगैरह खा रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो खैर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।